हेलो 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 हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। JSTV में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा ईमान है कि आप जितने रोज़ाना हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, आप सब खुदावंद की सलामती में हैं। तो आइए हम अपनी मीटिंग का आगाज़ करते हैं। हम वर्शिप से अपनी मीटिंग का आगाज़ करेंगे। हमारे दरमियान खुदावंद के बहुत अच्छे प्रस्ताद मुबशर गुलफाम साहब हैं, तो आइए उनके साथ मिलकर खुदावंद के नाम की मदा सराई करते हैं। हालेलुया। Yeah.
सारे उसके लश्कर हैं, और इंग्लिश में जो वर्ड है वो है हेवंस आर्मी, हम उसकी फौजें हैं और वो हमारा खुदा है, हम सारे उसके लश्कर हैं और वो हमारा खुदा है। वी आर ऑल हेवंस आर्मी, हम सारे उसके लश्कर हैं। हालेलुया, आइए हम मदा सराय में आगे बढ़ते हैं और लश्करों के खुदा की हम सना करते हैं। Thank you.
क्वेश्चन मार्क है जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। जिस नबूवत खुदा से आती है, यहोवा खुदा की तरफ से, आसमानों की तरफ से जिसकी नबूवत आती है, आप उसकी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। उसकी जो खुशी है उसको मैया नहीं कर सकते। लिखा है कि व्हाट जॉय फॉर दोज, ऐसे लोगों की क्या खुशी हो सकती है, कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि जिसकी कुवत खुदावंद की तरफ से आती है। जब हम पूरे ईमान के साथ उसे पुकारते हैं, जब हम समझते हैं कि हम कमजोर हो चुके हैं, हमारी मदद करने वाला कोई भी नहीं है, सारे इंसान हमें छोड़ चुके हैं, हमसे किनारा कशी कर चुके हैं, तो फिर हम खुदावंद पुकारते हैं। और जब हम ईमान के साथ, पूरे ईमान के साथ उसे पुकारते हैं, और जब आसमानों से हमारे लिए उसकी मदद आती है, हमारे लिए उसकी कुव्वत आती है, तो ऐसा शख्स जिसके लिए आसमानों से कुव्वत आती है, आसमानों का खुदा उसकी मदद के लिए नीचे उतर आता है, तो ऐसे इंसान की खुशी का अंदाजा आप कभी भी नहीं लगा सकते। इसलिए इंग्लिश में जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है कि व्हाट जॉय फॉर दोज हूज स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। ऐसे इंसान की क्या खुशी हो सकती है, कोई भी इंसान इसका जवाब नहीं दे सकता। जिस इंसान की मदद खुदावंद की तरफ से आती है, हम उस खुदा की अदा सराइत करें जिसे हम मुसीबत में पुकारते हैं, वो हमारे साथ खड़ा होता है। I'm not afraid of the dark.
आगे बढ़ते हैं और खुदा के
खादिम के साथ मिलकर खुदाबंद की मदा सलाम करते हैं। जीत चुके Yeah.
सारी ऑफर्स लेकर आएगा, कभी आपके दौलत की ऑफर करेगा, कभी आपको किसी और चीज़ की, कभी किसी और चीज़ की, कि आपने जो अपने अंदर रूह के शोले को जलाया है उसे बुझा दो। तो अगर तो हम कमज़ोर होते हैं तो हम उसे बुझा देते हैं, हम दुनियावी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। शैतान जब हमारे सामने चीज़ें लेकर आता है तो हम रूह के शोले को बुझा कर चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और दुनियावी चीज़ों को अपने दिल में जगह देते हैं। जबकि लिखा है कि रूह को ना बुझाओ, क्विंच नॉट द स्पिरिट, यानी रूह के शोले को ना बुझाओ। जब आपने एक दफ़ा बपतिस्मा ले लिया, रूह के शोले को जला लिया, तो फिर वाई यू प्ले विद द स्पिरिट, आप उसको जलाते हैं, जाते हैं और फिर ये समझते हैं कि शायद खुदा हमें नहीं देखता, हम बड़ी तलाक हैं। जब आप एक दफ़ा उसके शोले को दिल में जला देते हैं, फिर जब शैतान ऑफर लेकर आता है तो रिजेक्ट कर दें उसे। रूह को ना बुझाओ, क्विंच नॉट द स्पिरिट। हालेलुया, आइए हम मदासराई में आगे बढ़ते हैं, खुदा के बंदा के साथ मिलकर उसकी हम दो सिताइश करते हैं। Yesu 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 Yesu
इमेजिन करिए, जरा सोचिए कि अगर यीशु किसी को छुएगा तो फिर क्या होगा। यीशु को छूने से हम शिफा पाते हैं, उसके कपड़े को टच करने से हम शिफा पाते हैं। तो अगर वो किसी को छुएगा, किसी पे हाथ रखेगा तो फिर क्या होगा। हम अक्सर ये कहते हैं कि यीशु छू, हम यीशु को छूते हैं तो शिफा पाते हैं। ज़रा सोचिए कि अगर यीशु हमें छुएगा तो हमारी सारी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। बहुत दफ़ा हम क्लेम करते हैं कि लगता है कि इस दुआ में दुआ करते करते किसी ने मुझे छुआ, बस उस दुआ के दौरान कोई हमें छूता है। जब हम उस दुआ से फारिग हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो वो सारा जो टच है, वो छूना जो है, वो ख़त्म हो जाता है। ऐसा किस दिन होगा, क्योंकि जब आप यीशु को छूते हैं तो आप हमेशा के लिए शिफा पाते हैं, यानी आपकी सारी बीमारी कमज़ोरी जाती रहती है। तो अगर यीशु आपको छूएगा तो आधे घंटे के लिए, एक घंटे के लिए कैसे छूएगा आप? जब वो आपको छूएगा तो आपकी सारी ज़िंदगी, आपकी मेंटेलिटी, आपकी सारी सोच, आपके सारे दिल के ख्यालात सारे बदल के रख देगा। तो जब हम ये कहते हैं कि किसी ने मुझे छुआ, दुआ के दौरान मुझे ऐसा लगा कि मुझे छुआ, लेकिन दुआ के बाद हम फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। हमें सोचने की ज़रूरत ये है कि वाकई ही हमें कोई छूता है, या हमें लेफ्ट राइट से कोई छूता है जो हमारे साथ खड़े होते हैं। क्योंकि यीशु का जो छूना है वो कुछ और है। जब यीशु आपको छूता है तो वो आधे घंटे के लिए नहीं छूता, वो एक घंटे के लिए नहीं छूता, या वो जो छूना है, वो जो टच है, वो दुआ के दौरान तक ही नहीं रहेगा। वो आपकी सोचों को बदल देगा, आपके ख्यालों को बदल देगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये है कि जब आप ये कहते हैं कि दुआ के दौरान किसी ने मुझे छुआ और उसके बाद भी आप वैसे के वैसे ही रहते हैं, तो फिर ये समझिए कि जो आपके दाएं बाएं खड़े हैं उनका गलती से हाथ लग गया है। क्योंकि जब यीशु छूता है तो वो सारी ज़िंदगी बदल कर रख देता है। हालेलुया। आइए हम अदा सराय में आगे बढ़ते हैं और खुदा के बंदा के साथ उसकी तारीफ करते हैं।
साथ आकर खुदा की मदा सराई करते हैं, कभी परेशान नहीं होते कि मैंने क्या पहना है, उफ ये तो गंदे हैं, अच्छे नहीं हैं। खुशी के साथ आकर खुदावंत के आल्टर पे जैसे भी होते हैं,
खुशी के साथ आते हैं और खुशी के साथ उसकी मदासराई करते हैं। हम बहुत दफ़ा अच्छी चीज़ें हासिल करने के बाद भी खुदा से गिले करते हैं कि उसके पास तो मुझसे भी अच्छी चीज़ है, उसने तो मुझसे अच्छा ब्रांड पहना हुआ है। यानी अच्छी चीज़ें लेने के बाद भी हम उससे गिले करते हैं और चर्च में गाते हैं कि होंठों पे आज कोई गिला ना सवाल है। पौलुस कहता है कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। इसमें कंडीशन नहीं बताई गई कि जब आपके पास कोई अच्छी चीज़ आए तो खुश रहो, या आपकी ख्वाहिश पूरी हो या आपकी कमेटी निकले तो फिर आप खुश हों। लिखा है कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, यानी आप जिस भी हालत में हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, आपने खुश रहना है। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई विल से रिजॉइस। यानी उसमें हर वक्त हमने खुश रहना है। मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मेरे पास पैसे ना भी हों तो भी खुश रहता हूँ, कुछ भी ना हो तो भी खुश रहता हूँ, क्योंकि पौलुस कहता है कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। आप परेशान हो के कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि खुदा के हुक्म को आप तोड़ते हैं परेशान होकर। आप अपने किसी भी मसले का अपनी परेशानी के साथ हल नहीं कर सकते हैं, बल्कि जब आप परेशान होते हैं तो खुदा के एक हुक्म को आप तोड़ते हैं, जिसमें वो ये कहता है कि खुदावंद में खुश रहो। पौलुस कहता है कि मेरी मानिंद बनो क्योंकि मैं मसीह की मानिंद हूँ, और फिर वो कहता है कि खुदावंद में खुश रहो। यानी इसका मतलब ये है कि जो पौलुस है वो हर वक्त खुदावंद में खुश रहता था, उसके पास कुछ भी नहीं था। अगर आप पौलुस की ज़िंदगी को देखें तो उसने बहुत सारे सफ़र किए, ज़मीनी सफ़र किए, खुशकी पर ट्रैवल किया, समंदरों के सफ़र किए, एक जूते के साथ, एक सूट के साथ, कोई पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने ये लिखा है कि खुदावंद में खुश रहो। यानी पौलुस हर वक्त खुदावंद में खुश रहता था, कुछ भी ना होने के बावजूद वो खुदा में खुश रहता था। अभी हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन हम फिर भी खुश नहीं हैं, परेशान रहते हैं, मुंह बने रहते हैं, एक दूसरे से गिले करते हैं घर में बैठ के कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, ये चीज़ क्यों नहीं मंगवाई, ये क्यों नहीं किया, हमारे पड़ोसियों के पास ये है, वो ये लेके आए हैं। हम घर में बैठ के आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, चीज़ों पर लड़ाई झगड़े करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं, कंपटीशन करते हैं, लड़ते हैं हम अपने घरों में। लेकिन पौलुस के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक अंजील थी जो वो जगह जगह लेकर जाता था और लोगों को सुनाता था, लेकिन फिर भी वो ये कहता है कि खुदावंद में खुश रहो। फिर कहता हूँ खुश रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई विल से रिजॉइस। तो मैं भी आपको ये कहता हूँ कि खुदावंद में खुश रहा करें। मुंह बनाने से कुछ भी हासिल नहीं होता है, मुंह बनाने से कोई चीज़ नहीं मिलती है, ना कोई मसला हल होता है, आपकी ब्यूटी ख़राब होती है। स्माइल देने से आप अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं ना, आप स्माइल देते हैं सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप मुंह बनाते हैं तो आप किसी को भी अच्छे नहीं लगते, अपने घर वालों को नहीं अच्छे लगते, तो दूसरे जो लोग हैं उनको आप कैसे अच्छे लगेंगे। खुश रहें, मैं भी आपसे ये कहता हूँ कि खुश रहा करें। आपके पास कुछ है नहीं है, जो कुछ भी खुदा ने आपको दे रखा है उसी में खुश रहें। स्माइल देते रहा करेंगे तो आपकी जो ब्यूटी है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन अगर आप मुंह बनाएंगे तो 2-3 महीने बाद आपका मुंह बिगड़ जाएगा, ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी।
इसलिए खुश रहा करें, स्माइल देते रहा करें। हालेलुया, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम आज से ये वादा करेंगे कि हम खुदावंद में खुश रहेंगे। हमारे पास अगर कुछ हो ना हो, हम हर हाल में खुदावंद में खुश रहेंगे। एक दूसरे के साथ हम स्माइल दे के मिलेंगे, स्माइल दे के बात करेंगे। हम अपनी ज़िंदगी में कोई कैटेगरी नहीं बनाएंगे, लोगों को कैटेगराइज नहीं करेंगे, दायरे नहीं खींचेंगे। दायरे खींचने से परेशानियां मिलती हैं, लेकिन खुदा का बंदा ये कहता है कि खुश रहो, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ खुश रहो। आज हम ये वादा करेंगे, आप अपनी जितनी ख्वाहिशात को बढ़ाएंगे आपको परेशानी होगी। जितना आप लिमिटेशंस में रहेंगे, अपने आप को लिमिटेड रखेंगे, उतना आप खुश रहेंगे। जितनी आप अपनी ख्वाहिशात को बढ़ाएंगे, अपनी चादर को फैलाएंगे, ख्वाहिशात की चादर को, आप परेशान रहेंगे। तो आज हम ये वादा करेंगे अपने अपने साथ, पक्का वादा करेंगे पूरे दिल के साथ, खुदावंद के घर में बैठ के हम ये वादा करेंगे कि हम आज से खुश रहा करेंगे। हम आज से स्माइल देंगे, हर किसी के साथ मुस्कुरा के बात करेंगे। खुदा ने जो कुछ भी हमें दे रखा है, हमारे पास जैसे भी कपड़े हैं, हमारे पास जितने भी पैसे हैं, हमारा जैसा भी घर है, हम उसमें खुश रहेंगे। क्योंकि खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि खुदावंद में खुश रहो। हालेलुया, हम शुक्रगुजारी करेंगे आज के खूबसूरत वक्त के लिए जो हमने उसके हजूर में गुजारा, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त था जो हमने उसे दे दिया। हमारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा वक्त जो हमने उसके हजूर में गुजारा, आइए हम इसके लिए शुक्रगुजारी करें जो अब वक्त हमने उसे दिया। ये सब उसकी मोहब्बत के वसीला से मुमकिन हुआ कि आज सारे हम यहाँ पर बैठे हैं। ये उसका फजल है, ये उसकी मोहब्बत है कि हम सारे यहाँ पर बैठे हैं। हम शुक्रगुजारी करेंगे आज के वक्त के लिए, आज की सारी वर्शिप के लिए। हमने खुदा के घर में आकर जो कुछ भी सीखा, हम उसके लिए शुक्रगुजारी करेंगे और हम कोशिश करेंगे ईमान के साथ, हमने जो कुछ भी सीखा है हम उसे हमेशा के लिए अपने दिल की तख्ती पर लिखेंगे, उसकी रेपिटिशन करेंगे, जुगाली करेंगे, उसको बार बार याद करेंगे, रिपीट करेंगे। जैसे आप अपनी विशेज़ को, अपने गोल्स को, अपनी ख्वाहिशात को रिपीट करते हैं, याद रखते हैं कि मैंने ये करना है, आप उसे भूलते नहीं हैं। उसी तरह हमने जो कुछ भी आज खुदा के कलाम में से सीखा है, हम उसको याद रखेंगे, उसको रिपीट करेंगे, उसकी जुगाली करेंगे। हम शुक्रगुजारी करेंगे सारे चर्च के लिए, खूबसूरत चर्च के लिए जो खुदा ने हमें मुहैया किया। हम सारी टीम के लिए शुक्रगुजारी करेंगे, भाई सनी के लिए, मून के लिए, आमिर के लिए, भाई गुलफाम के लिए हम शुक्रगुजारी करेंगे। और ख़ास तौर पर हम शुक्रगुजारी करेंगे अपने पासबान पासो मुनव्वर साहब के लिए, उनके ख़ानदान के लिए, उनके वसाइल के लिए शुक्रगुजारी करेंगे। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उन सबों के ईमान के लिए शुक्रगुजारी करेंगे कि वो ईमान के साथ और मुस्तकिल मिजाजी के साथ खुदा के घर में हर रोज़ आते हैं। हम इन सबों के ईमान के लिए शुक्रगुजारी करेंगे। जितने लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, हम उनके लिए शुक्रगुजारी करेंगे, उनके घरानों के लिए, उनके वसाइल के लिए शुक्रगुजारी करेंगे। रुखसाना बाजी आएंगी और इस दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। हालेलुया, हम सारे शुक्रगुजारी करेंगे।
सारे शुक्रगुजारी करेंगे इस खूबसूरत वक्त के लिए। हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं खुदा, खास शुक्रगुजारी करते हैं खुदा मंद सारे वक्त के लिए खुदा मंद जो तूने हम सबों को मुहैया किया खुदा। हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा मंद, खास शुक्रगुजार हैं खुदा मंद के हम हर रोज़ खुदा बाप इस वक्त के अंदर तेरी हजूरी में आते हैं खुदाम दे और तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदाम। हम तेरे कलाम में से सीखते हैं खुदाम दे, हम तेरी प्रस्तुति करते हैं खुदाम, तेरी हमद करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं खुदाम। हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदाम, शुक्रगुजार हैं खुदाम सबसे बढ़कर इस बात के लिए खुदाम के तूने हमें ये पहचान दे रखी है खुदाम दे कि हम तेरे नाम से वाकिफ़ हैं खुदाम। हम तुझे जानते हैं खुदाम दे, तुझे पहचानते हैं खुदाम। अगर हम दुनिया पर निगाह करें खुदाम तो एक बहुत बड़ी भीड़ है खुदाम दे जो तेरे नाम से वाकिफ़ नहीं है खुदाम। हम तेरे इस ख़ास फजल के लिए खुदाम जो हम पर हमारे ख़ानदानों समेत हुआ है खुदाम दे, यकीनन खुदाम ये बेमिसाल है खुदाम दे। हम इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं खुदाम दे, शुक्रगुजार हैं खुदाम कि हम इस रोए ज़मीन पर खुदाम दे अब तक कायम है खुदाम दे, हम फना नहीं हुए खुदाम दे। हम अपने ख़ानदानों समेत खुदाम, अपने घरानों समेत खुदाम दे अब तक के वक्त के अंदर खुदामंदे सांसें ले रहे हैं खुदामंद। हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदाम बाप। हम जानते हैं कि दुनिया के अंदर खुदामंद हर रोज खुदामंदे लोग खुदामंदे तेरे नाम को जाने बगैर ही खुदामंद इस दुनिया से कूच कर जाते हैं खुदाम, लेकिन तूने हम पर फजल किया है खुदामंदे। ऐ बाप यीशु के नाम से खास दुआ करते हैं खुदामंदे कि इन दिनों के अंदर खुदामंद जो कलाम हम सीख रहे हैं खुदामंदे और हर रोज खुदामंद जो बातें हम सीखते हैं खुदाम दे फजल बख्श खुदाम कि हम अपने जहन के अंदर अपने दिल के अंदर खुदाम तेरे कलाम की इन बातों की जुगाली करें खुदाम दे, ने याद करते रहें खुदाम दे। तेरे कलाम में लिखा है खुदाम दे तूने खुदाम जब बनी इसराइल को खुदाम दे शरीयत दी खुदाम दे तूने उन्हें कहा कि खुदाम दे तेरा कल तूने कहा कि मेरा कलाम तेरे माथों पर टीकों की मानिंद हो खुदाम दे। अब आप यीशु के नाम से फजल बख्श खुदाम दे कि हम भी तेरे कलाम को खुदाम जो हर रोज़ हम सीखते हैं खुदाम दे अपने दिलों की ज़मीन के अंदर खुदाम दे उसे जड़ पकड़ने दे खुदाम दे। हम हर रोज़ उसके बारे में सोचें ख्याल करें खुदाम दे कि इस वक्त के अंदर खुदाम तू हमारी ज़िंदगियों से क्या चाहता है खुदाम दे। बाप यकीनन तू बर वक्त बोलता है, बर वक्त बात करता है खुदाम दे। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदाम दे, फजल बख्श खुदाम कि हम इस ईमान के अंदर कायम रहें खुदाम दे और ये ईमान खुदाम हमारे दिलों के अंदर खुदाम दे जड़ पकड़ता जाए खुदाम और हम तेरे उस कद के अंदाजा तक पहुंच सके खुदाम। अब आप यीशु के नाम से खुदाम तेरे कलाम में लिखा है कि दौड़ में दौड़ने वाले तो बहुत है लेकिन जीत का सहरा एक ही हासिल करता है खुदाम। फजल बख्श खुदाम दे कि हम में से खुदाम कोई एक उस सहरे को हासिल ना करे खुदाम दे, बल्कि हम सब जो हर रोज इस जगह पर आते हैं खुदाम दे तेरे इन कलाम की बातों पर अमल करते हुए खुदाम दे जीत के उस सहरे को उस ताज को हासिल कर सकें खुदाम दे। यीशु के नाम से हम हर रोज अपनी जिंदगियों पर खुदाम दे बाप गौर व गोश कर सकें खुदाम दे यीशु नासरी के नाम से खुदाम। जब हम हर रोज़ इस जगह पर आते हैं खुदाम दे और इस जगह पर खुदामंद हम कोई ना कोई उम्मीद लेकर आते हैं खुदाम दे बाप, कुछ शिफा लेने आते हैं खुदाम दे, कुछ रिहाई पाने आते हैं खुदाम दे, कुछ ताज़ा मसा लेने आते हैं खुदाम दे बाप, इस वक्त के अंदर दुआ करते हैं खुदाम दे कि बाप तू खुदामंद हमारी उम्मीद के मुताबिक खुदामंद बाप हमें अता करता है खुदाम दे। अब आप यीशु के नाम से खुदामंद इस वक्त के अंदर इस जगह पर जितने भी लोग हैं खुदाम दे और उनकी हर तरह से खुदाम दे जो भी उम्मीदें हैं खुदामंद, जो परेशानियां हैं खुदाम दे, जो भी बीमारी है खुदामंद यीशु के नाम के वसीला से खुदाम दे उनकी जिंदगियों के अंदर से जाती रहे खुदाम दे। बाबा हम जानते हैं कि मसीह यीशु में खुदाम दे तूने हमें इत्मीनान बख्शा है खुदाम दे और हमें वो खुशी बख्शी है खुदाम दे बाप जो खुदामंद इस दुनिया से बढ़कर है खुदाम दे। तूने हमें हमेशा की जिंदगी की खुशी अता की है खुदाम दे। अब आप यीशु नासरी के नाम से खुदाम दे इस जगह पर खुदामंद इन जिंदगियों के अंदर खुदामंद तेरा जलाल जाहिर हो खुदाम दे और हम सब खुदामंद हर रोज खुदाम दे इसी तरह तेरी हजूरी में आते रहे खुदाम दे और ईमान में बढ़ते जाएं खुदामंद। इस वक्त के अंदर दुआ करते हैं खुदाम सारी टीम के लिए खुदामंद जो खुदामंद मुस्तकिल मिजाजी के साथ खुदाम दे बाप खा कैसी भी हालत के अंदर हो खुदाम दे तेरे मजबा पर आते हैं खुदाम दे और आकर खुदामंद तेरी खिदमत करते हैं खुदाम दे। हम शुक्रगुजारी करते
सारी टीम के लिए खुदामंद, दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदामंद, और इस सारी टीम के लिए खुदामंद हम बरकत की दुआ करते हैं खुदामंद, दुआ करते हैं खुदामंद कि बाप ये अपने अपने गिफ्ट के अंदर बाइस से बरकत हो खुदामंद, बाप यीशु नासरी के नाम से खुदामंद ये हिकमत में बढ़े खुदामंद, समझ में बढ़े खुदामंद, तेरे रूह में बढ़े खुदामंद, यीशु नासरी के नाम से खुदामंद बाप दुआ करते हैं खुदामंद के बाप तेरे बेटे खुदामंद तेरे लोग इसी तरह खुदामंद तुझ में बढ़ते जाएं खुदामंद, तेरे मुकाशफात को खुदामंद अपनी जिंदगियों के अंदर जाने खुदामंद, यीशु के नाम से खुदामंद, और उनकी खिदमतें खुदामंद, उनके गिफ्ट खुदामंद हम सबों के लिए, कलीसिया के लिए खुदामंद, और बहुत सी जिंदगियों के लिए इस रोए जमीन पर भाई से बरकत हो खुदामंद, यीशु नासरी के नाम से खुदामंद बाप खास दुआ करते हैं खुदामंद, उनके साथ और सदा खिदमत गुजार लोगों को मुहैया कर खुदामंद बाप, यीशु नासरी के नाम से खुदामंद इस जगह पर आकर खुदामंद तेरी खिदमत कर सके खुदामंद बाप, यीशु के नाम से खुदामंद और बहुत से लोगों को खुदामंद तो उनके साथ शामिल कर खुदामंद, शामिल कर खुदा बाप, यीशु के नाम से खुदामंद बाप, यीशु नासरी के नाम से खुदामंद हम दुआ करते, जब हम दुआ कर रहे हैं इस जगह की एक्सटेंशन के लिए दुआ कर रहे हैं खुदामंद, तो खास दुआ करते हैं खुदामंद इस चैनल के अंदर खुदामंद हर तरह से खिदमत करने वाले लोग भी बढ़ जाए खुदामंद, बढ़े खुदामंद यीशु के नाम से खुदामंद, जो तेरे लोगों का भार उठा सके खुदामंद यीशु के नाम से खुदामंद, तेरे कलाम में लिखा है कि तुम मिलकर एक दूसरे का भार उठाओ खुदामंद बाप, यीशु नासरी के नाम से खुदामंद इन जिंदगियों के साथ और बहुत से लोगों को उठाओ खुदामंद, जो इनके साथ मिलकर खिदमत कर सके खुदामंद, और बाप तेरा जलाल जाहिर कर सके खुदामंद, हम आज के सारे वक्त के लिए सारी बरकत के सारी फेलोशिप के लिए खुदामंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदामंद, और सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं बाप आसमानी, मसीह यीशु के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो, हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे रहेंगे, आमीन। आप सबका शुक्रिया, खुदावंत की सलामती आपकी।